हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी बी सर क्लासेस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उम्र सीमा में छूट देने की अर्जी पर यूपी सरकार को नोटिस। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी जो थे वो दरोगा भर्ती में ओवरेज हो गए थे और उसी के संबंध में उन्होंने जो थी वो हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। हाई कोर्ट ने जो 24 अगस्त को उनकी याचिका जो थी वो निरस्त कर दी थी। फिर वो डबल बेंच पे चले गए। कुछ विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे दरोगा भर्ती स्टे को लेकर, तथा उसी के संबंध में एक न्यूज प्रकाशित हुई है। आइए इस न्यूज को हम पूरा पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुलिस में भर्ती का 5 साल की देरी से विज्ञापन निकालने पर ओवर हो गए उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट क्यों ना दी जाए। उच्चतम न्यायालय ने यह नोटिस दुर्गेश त्यागी आदि की विशेष अनुमति याचिका पर दिया है। इस याचिका में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 24 अगस्त 2021 के फैसले को चुनौती दी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 24 अगस्त को कुछ विद्यार्थियों ने याचिका दी थी और उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आइए इस न्यूज को हम और पढ़ते हैं। इसमें उनकी याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि देर से विज्ञापन निकलने में सरकार की कोई खामी नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण यह देरी हुई है। इसके अलावा लाखों लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, ऐसे में अब यदि उम्र सीमा से छेड़छाड़ की जाए तो उचित नहीं होगा।